NFL cut. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर लेकर के आई हूँ आपके लिए एक सिंपल सी रेसिपी, कलरफुल पोहा, या यू कह सकते हैं मिक्स वेज पोहा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। मेरे हाथ में है अभी ये लोबिया, और साथ ही मैंने काट चुकी हूँ प्याज, एक मीडियम साइज़ का लिया था, और थोड़े से बीन्स, और एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का, और साथ ही लिया है मैंने एक कड़ी पत्ता, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पोहा में, इसके बिना टेस्ट अधूरा रहता है। तो इसको इसमें डालेंगे एक हम ग्रीन चिली, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्च और डाल लीजिए। वैसे ये किड्स स्पेशल है तो मैं यहाँ पर एक ही ग्रीन चिली डाल रही हूँ। उसको भी हम बारीक काट लेते हैं, और बारीक काटने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली के कुछ दाने हैं, हाफ कटोरी मूंगफली है, और साथ में लिया है मिक्स वेज इतने सारे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये है मैंने कड़ी पत्ता तोड़ के रख लिया इसको, और अब हम तैयारी करते हैं पोहा भिगाने की। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पोहा ले लिया है। इसको अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहती हैं तो आप इसको बढ़ा लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 कप कॉफ़ी मग का 2 मग ले लिया है। इसको मैं धो लेती हूँ। इसको धोने के बाद तैयारी करते हैं तड़के की। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर जो ये सामान लिया है वही करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, तेल अगर गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और साथ ही डाल रही हूँ मूंगफली के दाने, क्योंकि ये अलग से हम डालेंगे तो ये जल जाएगा, हम इसके साथ डाल रहे हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम कटे हुए प्याज, और प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काटी थी, उन सब्जियों को हम डालेंगे। ये डाला मैंने बीन्स, और साथ ही डाला इसमें गाजर, प्याज और बस इनको मिक्स कर लीजिए, और वो थोड़ा सा भुन जाए। तो यहाँ देखिए हमारा पोहा भी भीग चुका है, अब ये सब्जी भी भुन चुकी है। तो अब सब्जी भुन गई है तो हम इसमें डालेंगे पोहा, इसको हमने डाल करके मिक्स कर लेना है। ये हमारा थोड़ा सा मोटा वाला पोहा है तो ये इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, ये जल्दी से भीगता नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पहले भिगो दिया था, और साथ ही डाला इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको टेस्ट को और बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर डाला मैंने काली मिर्च और लेमन पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी आपका टेस्ट खट्टा खट्टा होगा। और इसमें इसको मिक्स कर लेते, और देखिए हमारा पोहा झटपट तैयार हो गया। बस अब इसको हम सर्व करते हैं, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, मल्टी कलर पोहा तैयार है ना, इजी रेसिपी फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। मैंने साथ में लिया है कोल्ड कॉफ़ी, चाहे तो आप कोई भी शेक ले सकते हैं।